हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक बैच में आप सबका स्वागत है। और हमने मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था, उसका अपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, क्या मॉल कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से फॉर्मूले निकाले जाते हैं, उन सब की बात अपन ने कर ली है। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है भाई, वो जाए मास्टर स्टॉक बैच की प्लेलिस्ट में, सेकंड नंबर का जो आपका लेक्चर है वही आपका कल नेक्स्ट प्रीवियस वाला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। अभी तक हमारे पास जो फॉर्मूले आए हैं वो किस तरह से निकल के आए देखते हैं भाई। हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले निकल के आए। पहला वेट के टर्म में कि वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में फॉर्मूले आए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए। और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी अगर गिवन है, उसे अगर मैं 22.4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, वेट के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी के टर्म में। अब अपन कुछ माइंड मैप सीखते हैं कि माइंड मैप बनाना सीखते हैं कि मोल से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, या मोल अगर मुझे निकालना है तो मैं किन किन चीजों से निकाल सकता हूं, देखते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखो, आपको क्या करना है, आपको वेट गिवन हो, ठीक है, आपको वेट गिवन हो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो या नंबर ऑफ आयंस गिवन हो, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन हो सकते हैं और आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी गिवन हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी इन लीटर, अगर लीटर में गिवन है तो, ठीक है, ये गिवन हो सकता है। अगर इन तीनों से आपको किस पे पहुंचना है, मूल पर पहुंचना है, इन तीनों पर, तीनों से आपको किस पे पहुंचना है, मूल पर पहुंचना है, ठीक है। तो आप किस तरह से पहुंच सकते हो उसकी बात करते हैं। आपको अगर वेट गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं वेट से मोल पर पहुंचना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और मोल पर पहुंचना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पर पहुंचना है तो डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.023 × 10³। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी गिवन है लीटर में और हमसे कहा जाए कि भाई मोल्स निकालना है, तो मोल्स किस तरह से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी गिवन है और मोल पर पहुंचना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किस से, 22.4 से, ठीक है। अगर ये ml होता तो 22400 से मैं डिवाइड करता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये लीटर में गिवन है इसलिए मैंने 22.4 से डिवाइड करा, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब मोल्स पर आ चुके हैं, अब मोल से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल से मैं बहुत सारी चीज़ निकाल सकता हूँ। आपको अगर मोल गिवन है और आपसे कहा जाए कि वेट निकालना है भाई, आपके पास कोई सब्सटेंस की मोल गिवन है और आपसे कहा जाए कि उसका वेट क्या होगा, अगर मोल गिवन है और वेट पर पहुंचना है, उल्टा सोचते हैं, मोल गिवन है और वेट पर पहुंचना है, मोल्स गिवन है वेट पर पहुंचना है, अब किस तरह से निकाल सकते हैं मोल और वेट में, तो ये रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर देखो यार कि वेट पर पहुंचना है, नंबर ऑफ मोल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल्स से अगर वेट पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मोल से वेट पर पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल्स को किसके साथ, मॉलिक्यूलर वेट के साथ। अगर मोल से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पर पहुंचना है, मोल से मुझे किस पर पहुंचना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर पहुंचना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे वहां पर पहुंचना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पर पहुंचना है, ठीक है। पहले अपन नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पर पहुंचे थे, अब उल्टा सोचना है नंबर ऑफ पार्टिकल पर पहुंचना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि अपन जानते हैं ना यार एक मोल में कितने पार्टिकल भाई, एन ए पार्टिकल, तो जितने भी मोल हों, एक्स मोल हैं तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, कि एक में एन ए है तो एक्स में कितने होंगे, कि एक्स इंटू एन ए, ठीक है। अब यहां पर देखो कि मोल गिवन हो और हमें पहुंचना हो किस पे, वॉल्यूम ऑफ गैस पर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी, एट एनटीपी या एसटीपी, ठीक है।
तो वॉल्यूम से मुझे किस पे मोल से मुझे किस पे पहुंचना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी कितना होगा ये बताओ। ठीक है, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी पहुंचना है। देखो, मोल और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी में रिलेशन तो यही है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, इस पे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को। तो मोल से अगर यहां पे पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को किससे, 22.4 से। ये कुछ इस तरह का माइंड मैप है। बस मैंने क्या करा है, ये तीन फॉर्मूलों से इसका एक माइंड मैप बना दिया। अब मोल से हमसे कुछ भी पूछ ले, मोल एक जंक्शन है, कहीं भी जाना है भाई सबसे पहले मोल्स निकाल लो, क्योंकि जैसे भोपाल से इंदौर जाना है, ठीक है मैं भोपाल हूँ इसलिए भोपाल का एग्जांपल ले लिया, ठीक है तो भोपाल से इंदौर जाना है तो बीच में बीना तो पड़ेगा ना यार। वैसे ही अगर मुझे कहीं पर भी जाना है ना तो मोल पर आना पड़ेगा, मोल एक जंक्शन है हमारा। मोल से मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मोल से वेट निकाल सकता हूँ, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकता हूँ, और मोल से मैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी निकाल सकता हूँ। सपोज आपको वेट गिवन हो और आपसे पूछा हो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, कि आपके पास 12 ग्राम O2 हो, आपसे पूछा जाए कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट से पहले मोल निकालना पड़ेगा, मोल से फिर पार्टिकल पे जाना पड़ेगा। तो मोल एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है, मतलब मोल कुछ भी निकालना है मोल पर आ जाओ, मोल से कई सारे रास्ते जाते हैं, अपन कहीं पर भी जा सकते हैं उससे। मोल से वेट निकाल सकते हैं, पार्टिकल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी निकाल सकते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर है ना तो जो सवाल आते हैं ना बेसिक से वो बहुत सरल आते हैं, और बेसिक से लगातार क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक से अभी अपन क्वेश्चन करेंगे नीट के आईआईटी जेई के, तब आप कहोगे कि बेसिक से तो कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन को माइंड मैप क्लियर करना है अपने दिमाग में, तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। दूसरा है आपके पास, कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। और तीसरा क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। इन तीनों को अपन को कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन देखने, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है जो कि प्रेजेंट हैं 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि यहां पर कैन शुगर गिवन है। अब कैन शुगर का मतलब क्या, ऐसी शुगर जो शुगर कैन से आती हो। कौन सी शुगर है वो, आपने पढ़ा होगा ना, कौन सी शुगर है, सुक्रोज। ये कौन सी है भाई, इसका मतलब है सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। और सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, याद रख लेना, पूरी केमिस्ट्री में काम आता है, कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल, इतना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। मैनली हमको वेट गिवन है और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। वेट से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाने का रास्ता क्या है, वेट से पहले मोल पर जाऊंगा और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जा सकता हूं। तो पहला देखते हैं, पहला किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला देखो, पहला मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है हमारे पास, 34.2, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अभी निकाला है 342। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.1। और नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आने वाले हैं यहां पर हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आने वाला है, 0.1 इंटू एनए, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल क्या होने वाले, मॉलिक्यूल होने वाले हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। 0.25, अब ये ग्राम एटम क्या है, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन याद रखना, यहां पर एक काम की चीज निकलेगी। अगर आपको कभी भी ग्राम एटम गिवन हो,
ठीक है। दूसरे वाले के लिए देखना, दूसरे वाले के लिए अगर आपको कभी ग्राम एटम गिवन हो, या आपसे कहा जाए ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, या आपसे कहा जाए क्या ग्राम आयन, इनका तीनों का मतलब होता है मोल। इन तीनों का क्या मतलब होता है? मोल। मतलब हमसे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, ग्राम एटम को मोल से रिप्लेस कर दो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम। इतना मोल है, हमें उसका वेट निकालना है। और मोल और वेट के टर्म में तुम्हें फॉर्मूला पता है किस तरह का फॉर्मूला होता है, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, हमें वेट निकालना है, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है कैल्शियम का। भाई अपन को 10th में थे ना, तब अपन को कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता था, और अपन जानते हैं एटॉमिक नंबर का दोगुना क्या होता है, एटॉमिक मास। लगभग ज़्यादातर एलिमेंट के लिए होता है ऐसा, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि भाई एकदम बाबा जी की गांठ बांध लो इस बात को कि डबल ही होता है, ज़्यादातर का होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 20, लेकिन एटॉमिक मास कितना है इसका 40। ठीक है, डबल है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 40। ठीक है, एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, एलिमेंट है तो, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा 100 आ जाएगा, ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा टोटल हमारे पास 10 ग्राम। तो वेट आने वाला है वो कितना आने वाला है हमारे पास 10 ग्राम, 10 ग्राम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, ऐसा तो अपन ने बेसिक में कर लिया है, फिर भी अपन एक बार इसे सॉल्व करते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा। आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, Na मॉलिक्यूल का जो वेट होता है, या एक मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, अपन जानते हैं थर्ड वाला अगर करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितना आता है भाई 28। इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ N2 कितना है हमारे पास 28। 1 मोल मतलब कितने एटम का, 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो कितना है 28। तो एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, Na का इतना है तो एक का कितना होगा कि 28 डिवाइडेड बाय Na, और इस 1/Na को क्या बोलते हैं mu, दैट इज 28 amu, या क्या लिख सकते हैं ग्राम में निकालना है 28 इंटू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, इतना वेट आने वाला है एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का। तो कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अपन ने कुछ नहीं करा, अपन ने सिर्फ बेसिक मेथड अप्लाई करी है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको बेसिक याद रखने, अगर आपको बेसिक आते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, आपके क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, झट से हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बेसिक याद रखो और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा AIPMT 2015 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। देखना कितना सरल सरल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। किस तरह से, देखो क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, पहला ऑप्शन है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दूसरा है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 18 मोल्स ऑफ वाटर, कि इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। पहले वाले में तो उसने खुद देख के रखा हो कि 18 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें 18 मॉलिक्यूल है। अब दूसरा इसमें फाइंड करना है कि 1.8 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, वेट से पार्टिकल पे जाना है, तो वेट से पहले मोल पे चले जाओ, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 1.8 ग्राम वाटर मोल से निकालना है, तो 1.8 वाटर का कितना होता है 18, दैट इज 0.1 मोल, और मोल
से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो एनए से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 0.1 इंटू एनए। तीसरा अगर देखें तो तीसरा क्या था, 18 ग्राम वाटर है, यहां पर भी वेट गिवन है, वेट से पार्टिकल पे जाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वेट से पहले मोल, मोल से पार्टिकल, तो 18 ग्राम वाटर है तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 18 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज 1 मोल, और 1 मोल अगर यहां पे आ रहा है और पार्टिकल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 into Na, दैट इज Na यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल आने वाले हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या है, यहां पर है 18 मोल्स ऑफ वाटर, अब मोल्स गिवन है और पार्टिकल पे जाना है, अब मोल्स गिवन है और पार्टिकल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो यहां पर 18 into Na, तो यहां पर 18 मॉलिक्यूल, यहां पर 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, यहां पर Na मॉलिक्यूल, यहां पर 18 into Na मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम कहां पर आ रहे हैं, मैक्सिमम यहां पर आ रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक आना चाहिए, अगर आपको बेसिक आता है ना तो क्वेश्चन बहुत रफ्तार में और बहुत जल्दी से आप सही करोगे, रफ्तार समझते हो ना बाबा जी की, ठीक है, तो रफ्तार में बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, हमें बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ एन ट्राई एटॉमिक गैस, पहला है आपके पास ऑप्शन 6.026 × 10^22, दूसरा ऑप्शन है 1.806 × 10^23, थर्ड ऑप्शन है 3.600 × 10^23, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1.800 × 10^22। आपके पास 0.1 मोल है किसका, ट्राई एटॉमिक गैस का, ट्राई एटॉमिक मतलब जैसे कि ओजोन, ओजोन में एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, मतलब ट्राई एटॉमिक है, आप ट्राई एटॉमिक को इस तरह समझ सकते हो जैसे कि आपका क्या है, ओजोन है, ओजोन आपकी ट्राई एटॉमिक गैस है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, वही ट्राई एटॉमिक होता है। O2 क्या है हमारा, डाइएटॉमिक, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है, आपके पास एक ट्राई एटॉमिक गैस है जिसका मोल कितना गिवन है, 0.1 मोल, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये हमें पता लगाना है, ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बेसिक लगाना है, क्या लगाना है, देखो ओजोन या ट्राईएटॉमिक जो भी गैस है, ओजोन अपन मान के चलते हैं कि हमें ज्यादातर ट्राईएटॉमिक में ओजोन ही याद होता है, ठीक है, तो ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन के जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल होंगे ना वो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलने वाले हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे हमारे पास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फिर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, हमसे नंबर ऑफ एटम से पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा है हमसे, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं कि 0.1 मोल ट्राईएटॉमिक गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि 0.1 नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, यही होता है, ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और अपन जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे कि एक में 3 है तो इतने में कितने होंगे, इतने में 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इतने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, कितने एटम होंगे कि 3 × 0.1 × Na, ठीक है, तो 3 × 0.1 और Na की वैल्यू 6.023 × 10^23, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, 3 × 6.023 × 10^22, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1.800 × 10^22, लगभग इसका आंसर जाना चाहिए, ये 23 नहीं आ सकता यहां पे, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 1.800 × 10^22, इतना लगभग आंसर आना चाहिए, इससे ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, लेकिन अप्रॉक्स में इतना अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये AIPMT में आया हुआ है भाई, पहले ये ध्यान रखें, AIPMT में बहुत, नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है, वहाँ पर आपकी रफ्तार चाहिए होती है, रफ्तार कितना जल्दी आप खेल सकते हो ये आपका मैटर करता है, ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं चाहिए, नीट को निकालना है तो ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं चाहिए, वहाँ पर चाहिए आपको रफ्तार, कि आपको
कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रफ्तार अपनी बढ़ाओ भाई बाबा जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, पहला ऑप्शन है 0.02 मोलर, दूसरा ऑप्शन है 0.01 मोलर, तीसरा ऑप्शन है 0.001 मोलर एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.1 मोलर। आपके पास 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के, ठीक है, जो कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसकी मोलरिटी क्या होगी, ये पूछा है। आप जानते हो जो मोलरिटी होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने अभी पढ़ा था, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है मुझे 100 ml है, ठीक है, लीटर में करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है, मुझे क्या पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल से पहले मैं किस पे पहुंचूंगा, मॉलिक्यूल से पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंचूंगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशन आता है, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, 6.02 × 10^20 और एन ए की वैल्यू कितनी है, 6.02 × 10^23। तो यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे वो कितने निकलने वाले हैं, यहां से निकलने वाले हैं 10^-3, नंबर ऑफ मोल्स निकले 10^-3। अब मुझे नंबर ऑफ मुझे मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10^-3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, कितना है, 100 ml, लेकिन लीटर में चाहिए तो मैंने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मोलरिटी कितनी आने वाली है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 1/100, दैट इज 0.01। तो मोलरिटी कितनी आ गई, 0.01। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसकी मोलरिटी होगी 0.01। कुछ नहीं करा है, बस फॉर्मूला अप्लाई किया है और आंसर अपने आप आ गया। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आपसे मॉलरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स निकाले और उनकी मदद से मॉलरिटी फाइंड करी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है, सिर्फ हमने जो पढ़ा हुआ है उसे सिर्फ अप्लाई करा है, और जैसे ही अप्लाई किया आपका आंसर आपके सामने आ गया। अब जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आज अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करें, ऐसा नहीं सोचना है कि अपन ने बहुत सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें अपन काफ़ी सारे डिफिकल्ट जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। याद रखना है, रफ्तार से बढ़ना है, हमारे पास बहुत कम टाइम है जिसमें अपन को बहुत कुछ सीखना है, तो जैसे ही वीडियो आता है अपनी रफ्तार से देख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यार, क्योंकि जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन ज़्यादा करेंगे उतना अपन को फ़ायदा होने वाला है हमारे एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।